हेलो एंड वेलकम टू लॉ प्रैप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज हम लोग फ्राइडे का न्यूज़पेपर जो है उसको देखेंगे। सो क्वेश्चंस इसके अंदर जो थर्सडे के हैं वो आपके सामने रख दिए गए हैं। 10 क्वेश्चंस हैं, उसको आपने कर लिया हो, वो कर रहे हैं आप, तो उसके बाद में आप इसको देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट न्यूज इसके अंदर क्या है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन डिपार्ट्स। देखो यहाँ पर क्या चीज है कि एम एस स्वामीनाथन 1925-2023, ये जो है बेसिकली पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने जो एक मेजर रोल अदा करते हैं इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को मूव ऑन करने में। देखो होता क्या है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब से चल रहा था। उसका रीज़न बेसिकली क्या है कि इंडिया के अंदर 60 से 70% जो सारे के सारे लोग हैं, सारा के सारा एग्रीकल्चर है, वो आज भी इरीगेशन जो उसका सारा का सारा है वो रेन फेड इरीगेशन पर डिपेंडेंट है। ऐसी सिचुएशन में क्या देखने को मिलता है कि भाई रेन फेड अगर इरीगेशन है सारा का सारा, तो वो जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है, जहाँ पर थोड़ी सी भी बारिश ना आने पर पूरा का पूरा देश जो है वो ड्रॉट के या सूखे की चपेट में आ जाता है। इंडिया के अंदर यही सेम चीज़ 1960s में देखने को मिले थे, जब 65-66 में लगातार 2-3 साल ड्रॉट आया था। 2-3 साल तक लगातार ड्रॉट आने का अल्टीमेटली इफेक्ट ये होने लगा कि देश के अंदर जो है सूखा पड़ने लगा, और इतना ज़्यादा सूखा पड़ गया देश के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर को ये ऐलान करना पड़ा। उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ये ऐलान करना पड़ा कि लोग ये कोशिश करें कि वो एक टाइम ही खाना खाएं। सोच के देखिए कि इंडिया के अंदर ये ऐलान किया गया था कि कोशिश की जाए कि सिर्फ एक टाइम ही भारत में लोग खाना खाएं। लोगों को किसानी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया था, और इसमें प्राइम मिनिस्टर खुद अपने प्राइम मिनिस्टर्स हाउस के अंदर किसानी करके ये दिखाते थे कि भाई सबको किसानी के अंदर लगना चाहिए, क्योंकि किसानी नहीं हो रही है, लोग कम कम गेहूं उत्पादन हो रहा है, जिस कारण से काफ़ी मुश्किलें आ रही है। इंडिया में गेहूं इतना कम हो चुका था, इतना कम हो गया कि अल्टीमेटली हमने क्या करना पड़ा, हमें अमेरिका को फ़ोन करना पड़ा, अमेरिका की मदद लेने की कोशिश करनी पड़ी कि भाई आप हमें मदद करें, आपके पास में सरप्लस जो है वो गेहूं उगता है, सरप्लस ग्रो होता है, तो आप लोग प्लीज हमें जो है वो वीट प्रोवाइड करें। ऐसा क्या देखने को मिला कि इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अमेरिका ने उस समय हमें वीट नहीं दिया। जब बहुत ज्यादा कहा गया तो सबसे खराब क्वालिटी का जो वीट होता है, लाल कलर का गेहूं होता है, वो इंडिया को दिया गया था, और अल्टीमेटली इंडिया की बहुत सिचुएशन उस समय खराब हुई थी। उस समय इंडिया ने और कुछ नहीं पर ये चीज सोच ली थी कि और कुछ हो नहीं हो, लेकिन इसमें हमें इंडिपेंडेंट होना है, कम से कम फूड सिक्योरिटी के अंदर इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए देश को, ये देश की रिक्वायरमेंट है। ऐसा क्या हुआ कि एम एस स्वामीनाथन ने उस समय जो है वो HYV सीड्स लेकर के आए, जो कि जो है बेसिकली बहुत फास्टली ग्रो करती है और बहुत अच्छे से जो है वो उसका प्रोडक्शन जो है वो हो सकता है। इस चीज के होने के कारण से अल्टीमेटली क्या हुआ कि पंजाब में, हरियाणा में, इन एरियाज के अंदर HYV सीड्स इनको प्रोवाइड किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज में प्रोवाइड किए गए, जिसके कारण से आज की डेट में जो है बेसिकली ये एक जो है बेसिकली आपके पूरा का पूरा इंडिया के अंदर आज की डेट में जो वीट और राइस की ग्रोथ है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट पंजाब और हरियाणा से आता है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर देखने को मिली। तो उसका पूरा जो आर्किटेक्चर था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा 1966-67 में आया था, उसका सबका जो बड़ा कारण था, वो कारण बेसिकली जो है वो आपके एम एस स्वामीनाथन थे। उनकी जो रिकमेंडेशन थी, HYV सीड्स थी उनका जो, देखो इसमें क्या था, इसमें दो चीज़ें थी कि या तो आप जो है वो सारा सारा पैसा पंजाब हरियाणा के एरिया में लगाओ, या फिर पैसा बंगाल के एरिया में लगाओ। दो एरिया इंडिया के अंदर फर्टाइल है ना, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला कि बंगाल के अंदर जो किसान हैं वो एक तो छोटे किसान हैं, सेकेंडली गरीब किसान हैं, तीसरी चीज़ है कि वहाँ पर बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं HYV सीड्स के हिसाब से भी। तो ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने कहा कि भाई हम लोग अभी रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए सारा सारा फोकस, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पंजाब के आसपास में लगाया जाए। तो ऐसा सरकार ने सारा पैसा और फोकस इस जगह पे लगाया। इसलिए ये भी कहा जाता है भाई ग्रीन रेवोल्यूशन का ये घाटा भी है कि देश में एक साइड जो किसान है वो बहुत अमीर हो गया और दूसरी तरफ किसान बहुत गरीब रह गया है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के केस में देखने को मिली थी। और अब जो है बेसिकली एम एस स्वामीनाथन की डेथ हुई है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज में देखने को मिल रहा है। नोबल पीस प्राइज जो है उसके लिए भी ये चीज़ के नॉमिनेट किए 1970s के अंदर, हाई व्हील एराइटी वीट्स के लिए। इसके अलावा और भी कई सारे जो फैक्ट्स है इस रिलेटेड, वो सारे सारे इसमें डाल दिए जा चुके हैं, है ना। तो इसमें आप इसको देख सकते हैं। अपने समय से पहले थे, इनोवेटर थे, इंस्ट्रूमेंटल थे इंडिया के साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने के लिए, है ना। ये चीजें हम लोग देख चुके हैं, तो वही सेम चीज इसमें। आज इंडिया में कहाँ कहाँ पर कितना प्रोडक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, भारत सरकार क्या क्या काम कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जैसे
सॉइल हेल्थ कार्ड सरकार निकाल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार किसान क्रेडिट कार्ड्स निकाल रही है, फसल बीमा योजना जो है वो लेकर के आई है। तो कई तरह की सरकार जो है वो नए नए जो है वो कोशिश करती है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आए, स्कीम्स लेकर के आए, ताकि किसान और ज़्यादा जो है वो ग्रो कर सके। इवन ये भी चीज़ देखने को मिल रही है कि किसानों को जो है वो और से और प्रॉफिट करने के लिए अभी जैसे कई सारी सरकारें तो क्या कर रही है, बिजली भी फ्री दे रही है ना। जैसे अभी राजस्थान सरकार क्या कर रही है कि 12,000 रुपये तक का जो बिल है बिजली का वो माफ कर रही है किसानों को। तो ये जो चीज़ है बेसिकली ये इफेक्ट कर रही है अल्टीमेटली इस तरह की सारी सिचुएशंस को, है ना। तो ये इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का पूरा सिस्टम है। अ माइलस्टोन इन हिंदू मैरिज रिफॉर्म्स इन इंडिया, हिंदू मैरिज की जो रिफॉर्म्स है इंडिया के अंदर उसका एक माइलस्टोन रिसेंटली जो है वो इसके अंदर यहाँ पर जो वो रीच किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किस चीज़ के ऊपर बात की गई है, तो इनका ये कहना है कि भाई इंडिया के अंदर कई तरह की हिंदू मैरिजेस इस तरह की होती है जो कि वास्तव में जो है वो उसके अंदर सब पता नहीं होती है ना। देखो होता क्या है कि हिंदूज की मैरिज के अंदर एक मेन चीज़ होती है कि भाई अग्नि के 7 तरफ में जो है वो आपको फेरे लेने होते हैं, आपको उसके अराउंड घूमना होता है, और उससे जो सब पता होता है उससे माना जाता है कि भाई शादी हुई। तो नॉर्मली क्या देखने को मिलता है कि इंडिया में मोस्टली तो ये चीज़ होती है, लेकिन कई सारे ऐसे भी सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर सूर्य मैत्री मैरिज है तमिलनाडु के अंदर, तो उसके अंदर इस तरह का ट्रेडिशन नहीं होता है ना। वैसे ही जैसे सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस है ना इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी ये सिस्टम नहीं है। तो हो क्या रहा है कि ये सिस्टम ना होने के कारण से इस तरह की जितनी भी शादियां हैं, इस तरह की जितने भी लोग हैं, विमेन हैं जिनको जिनकी इस तरह से शादियां हुई है, उन सब की शादियों को जो है वो सरकार ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, और कोर्ट्स ने भी इनवैलिड कह दिया कि भाई क्योंकि यहाँ पे सब पता नहीं होती है इसलिए हम लोग जो है इस मैरिज को नहीं मानते। अब इसका इफेक्ट अल्टीमेटली क्या होता है कि जो विमेन इस तरह की मैरिज से फ्री होती है, या जो वुमेन इस तरह की मैरिज से डाइवोर्स लेना चाहती है वो ले नहीं पाती है, वो अपने राइट्स रख नहीं पाती है, उसको कुछ कोर्ट में जाकर ही कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो फीमेल है वो कोर्ट के हिसाब से तो मैरिड ही नहीं है। तो उनके बच्चे भी इलीगल इनवैलिडेड माने जाते हैं, इलेजिटिमेट बच्चे माने जाते हैं, और उनकी शादी भी इलेजिटिमेट मानी जाती है, तो उस वुमेन को कुछ मिलता भी नहीं। तो इनका ये कहना है कि भाई ये जो चीज़ है, ये जो स्ट्रगल है, ये चीज़ ठीक नहीं है। इवन 1944 तक से भी इन्होंने बताई है कि किस तरह से जो है वो इंडिया के अंदर कई सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस बारे में बताया था कि भाई अगर लॉज बनाए जाए तो सिर्फ सब पदा को सामने लेकर के, और बेसिकली आपको जो है वो लॉज नहीं बनाने चाहिए, सभी को लेकर के और बेसिकली लॉ बनाया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर नहीं सुनवाई की गई, अल्टीमेटली आज भी यही सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो इनका कहना है कि भी इसके अंदर जो है वो सब पति को जो है वो साइडलाइन करके और भी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए उसके साथ में, कि भाई हाँ ये भी चीज़ें भी जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी, और ऐसी भी शादी जो है वो हो सकती है। ये चीज़ जो है वो इसमें देखने को मिलने है ना, ये चीज़ फील फ्री। देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है, इसमें गौर कीजिएगा कि इंडिया के अंदर जो है बेसिकली निजार केस बेसिकली क्या है कि देखो रिसेंटली क्या हुआ था कि हरदीप सिंह निजार नाम के पर्सन है जो कि कनाडा के अंदर खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे, उनकी रिसेंटली जो है बेसिकली डेथ हो गई थी। और उनकी मौत के ऊपर बेसिकली क्या चीज़ देखने को मिली कि जो जस्टिन ट्रूडो है जो कि आपके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए कि इंडिया ने साजिश रच करके और बेसिकली क्या किया है कि इनको मार दिया है। तो हमारे देश के एक आदमी को इंडिया जो है वो साजिश रच के मार रहा है, इस तरह का स्टेटमेंट जैसे ही कनाडा ने दिया, तो अल्टीमेटली इंडिया ने रेपरकशंस के अंदर खूब सारी बातें जो है बेसिकली फियर्स अटैक वापस जो है वो बोल करके और चाहे कनाडा के अगेंस्ट में दिया। तो एक लगातार एक रो ऑफ इंटेग्रिटी और रो ऑफ अटैक्स जो है वे दोनों देशों के बीच में देखने को मिले। यहाँ दूसरी तरफ एस जयशंकर ने ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि भाई देशों को चेरी पिक नहीं करना चाहिए इस चीज़ को कि भाई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स क्या होता है। एक तरफ तो कैनेडा, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज ये कहते हैं कि भाई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होते हैं और दोनों देश दो दो देश जो है वो एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर ना करें, और दूसरी तरफ क्या करता है कनाडा की इंडिया को बार बार कहता है कि खालिस्तानियों को अलग देश बना के दे दो, सिखों को ऐसे ऐसे करके दे दो, आप इनके साथ ये कर रहे हो, आप अमरिंदरपाल सिंह के साथ गलत कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या इनका कहना है कि भाई आप चेरी पिक मत कीजिए कि क्या चीज़ इंटरनल मैटर में जो है बेसिकली हाथ डालना है और कैसे क्या चीज़ नहीं है। आपकी जब इच्छा होती है तब तो वो इंटरनल मैटर हो जाता है, आपकी इच्छा नहीं होती तब वो इंटरनल मैटर नहीं रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है ना। तो अल्टीमेटली काफ़ी फियर्स जो है बेसिकली एक लड़ाई यूँ समझ लीजिए कि बोलने की लड़ाई जो है यहाँ पर देखने को मिलती है।
अब इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जो I5 है यानी कि वो पांच देश जो कि एक साथ में रह करके और बेसिकली अपना इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फ्रांस है, तो ये सारे देश मिलकर के और बेसिकली इस चीज़ को देखेंगे कि वास्तव में उनकी जो डेथ है वो इसी कारण से हुई थी या नहीं, क्या इंडिया का उसमें कोई रोल था या नहीं खालिस्तान इशू के कारण से, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। रिफॉर्म्स कैन एड्रेस इंडिया किडनी ट्रांसप्लांटेशन डिफेक्ट। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर जो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये है कि इंडिया के अंदर जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्रॉनिकल किडनी डिजीज़ है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ने के कारण अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा किडनी की जो है वो रिक्वायरमेंट देश के अंदर बढ़ती जा रही है, और इन सब चीज़ों के होने के कारण से अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है कि देश के अंदर ये रिक्वायरमेंट बढ़ तो रही है लेकिन वास्तव में इसको पूरा करने वाला कोई नहीं है ना। तो ऐसा ये जो चीज़ है इसके कारण से इनका ये कहना है कि भाई कई सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, कई नए नए जो है वो बेसिकली कोशिशें की जा सकती है जिससे कि जो है बेसिकली आपकी इंडिया के अंदर जो है वो एक एल्ट्रुइज्म शुरू किया जा सकता है कि भाई किडनी जो है वो देने का एक तरह से आपने चेंज शुरू कर दी कि भाई ये जो है पर्सन किडनी दे रहे हैं आवश्यकता के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसके अंदर शुरू की जा सकती है। हालांकि सेलिंग ऑफ अ किडनी जो है उसको मना करना चाहिए और वो एक ऑफेंस की तरह माना जाता है कि भाई ऑफेंसिवली अगर आप किसी को किडनी देना चाह रहे हैं लेकिन आप जो है उसके बदले में पैसे ले रहे हैं तो वो चीज़ अलाउ नहीं की जाएगी। केरला के अंदर जैसे डोनेट करना ही मना है ना, केरला के अंदर अगर आप डोनेट भी कर रहे हो किडनी तो वो जो है बेसिकली इलीगल माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर उन्होंने कही है कि भाई इस तरह से जो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन उसका सारा सारा इफेक्ट है वो देश के अंदर सुधारने की आवश्यकता है। देखो इंडिया के अंदर क्या होता है कि हर चीज़ की ट्रेडिंग होती है, हर चीज़ को बेचा जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि किडनियाँ बेचते हैं है ना, बहुत सीक्रेटली कोशिश करते हैं किडनियाँ बेचने की, और कई बार तो कस्टमर नहीं मिलते तो ज़बरदस्ती कस्टमर भी बना लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली केस आया था जिसमें एक विमेन थी और उसके हस्बैंड 50 ईयर्स की एज थी दोनों की, कपल की, और एक उनकी बेटी थी, तो वो किसी और इलाज के लिए जो है बेसिकली हॉस्पिटल में आए थे। उनको ज़बरदस्ती, जब उनके हस्बैंड नहीं थे सिर्फ बेटी पास में बैठी थी, तब ज़बरदस्ती उनको लेकर के आया गया कि इनका हाथों हाथ ऑपरेशन करना ज़रूरी है, और ज़बरदस्ती उनका किडनी का ट्रांसप्लांट करने के लिए जो है लगा दिया, जबकि उनकी किडनी सही थी, ट्रांसप्लांट करने के लिए लगा दी। और इसका इफेक्ट ये हुआ कि ट्रांसप्लांट करने के दौरान जो है वो उस औरत की डेथ हो गई है ना। तो ऐसे में उसके ऊपर काफी पूरा बड़ा केस हुआ कि कितना नेग्लिजेंट और कितना ज्यादा इनह्यूमन जो है वो सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है सभी देशों की जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं है ना, सभी हॉस्पिटल्स की जो इस तरह से काम करते हैं है ना। तो ये सारी चीजें बेसिकली इसमें देखने को मिल रही है कि किस तरह से जो है वो किडनी से रिलेटेड सारा का सारा जो काम है उसका ट्रांसप्लांटेशन का, उसका जो डेफिसिट है उसको भरने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि किस तरह से जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक पूरा प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया गया, ताकि उसके बेस के ऊपर जो है वो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांसप्लांटेशन में विश्वास करें है ना। ये चीज इंडिया मस्ट अट्यून इट्स पॉलिसीज टू एंश्योर द एल्डरली लाइफ ऑफ डिग्निटी। देखो यहाँ पर क्या है कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है उनका ये कहना है कि भाई पूरी दुनिया जो है वो ओल्ड एज की तरफ मूव कर रही है ना, सब लोग जो है वो ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, और आने वाले समय में अगले 50, 60, 100 सालों के अंदर लगभग पूरी दुनिया जो है वो एक ओल्ड एज की तरफ मूव करेगी। तो इस तरह की सिचुएशन के होने के कारण से इनका ये कहना है कि भाई ऐसी हालत होने के कारण से सभी देशों को ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो ओल्ड एज के लिए जो है वो काम किया जाए, और ओल्ड एज के हिसाब से चीज़ें और टॉपिक्स समझे जाए, माने जाए, और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जाए जैसे फॉर एग्जांपल फाइटिंग डिजीज़ है ना, फर्टिलिटी रेट्स का कम होना। इसके अलावा यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि आपके देश के अंदर जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर बात करना है ना। तो ये सारी सारी चीज़ें जो है बेसिकली उसको देख करके, गौर करके, और सारी पॉलिसीज़ को बनाया जाना चाहिए कि किस तरह से हमारा सोशल केयर जो एल्डरलीज के लिए है उसको जो है वो ध्यान में रख करके और बेसिकली सारे सारे सिचुएशन को टैकल किया जाना चाहिए, ताकि जो है वो हम लोग ओल्ड एज पॉपुलेशन जब इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उस समय हम लोग जो है वो उसको संभाल सके। शुड जनरेटिव AI भी रेगुलेटेड, AI को क्या रेगुलेट किया जाना चाहिए, तो उसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। इनका ये कहना है कि भाई रिसेंटली US भी जो है वो इसको जो है बेसिकली इस तरह से कोशिश कर रहा है कि भाई US जो है उसके अंदर भी जो है वो लॉ लाने की कोशिश की जा रही है। EU जो है वो पहले से एक लॉ लेकर के आ चुका है AI के ऊपर एक्ट, AI पे पूरा पूरा एक्ट जो है वो लेकर के आ चुका है। तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिल रहा है, इनका कहना है कि भाई इतना ज्यादा लेवल पर अगर आप जो है वो काम कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके साथ में काम कर रही है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि शायद आपके जो देश के अंदर जो है वो
एआई जो है वो गलत तरीके से काम कर सकता है और गलत उसके फायदे लोग उठा सकते हैं। ऐसा एआई को किस लेवल पर काम में लेना चाहिए, जैसे कई बार क्या हो सकता है एआई को काम में लिया जा सकता है डिफेंस पर्पस के लिए, अपने एआई बेस्ड बंदूकें बना दी कि कोई भी इंसान दिखे मार दो, है ना। तो ये चीज बड़ी घातक हो सकती है, टेररिस्ट के लिए तो मजा है लेकिन नॉर्मल लोग के लिए काफी ज्यादा घातक चीज हो सकती है क्योंकि इसे लड़ना बहुत मुश्किल है। तो अल्टीमेटली एआई कब काम में लिया जा सकता है, कब नहीं लिया जा सकता है, तो साइंस के साथ अगर एथिक्स नहीं मिले हुए, है ना। महात्मा गांधी इस बात को कहते थे कि साइंस जो है वो बेसिकली जो है वो शरीर है, वो पैर और हाथ है, और एथिक्स जो है मॉरल वैल्यूज जो है वो आंखें हैं। तो अगर एक व्यक्ति के पास में सिर्फ आंखें हैं, हाथ पैर नहीं है, और एक व्यक्ति के पास में सिर्फ हाथ पैर है, आंखें नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कहीं पर आग लगी है तो ऐसे में ये दोनों ही लोग अगर अकेले हैं तो भी जल जाएंगे, और दोनों में से कोई एक है तो भी जल जाएंगे, है ना। तो ऐसा चीज दोनों अगर एक दूसरे का साथ दे, एक अपनी आंखें दे दे और दूसरा जो है वो अपने आंखों के हिसाब से अपना शरीर दे दे, कहने का मतलब है एथिक्स अगर जो है वो साइंस के साथ में जुड़ जाते हैं तो वो वंडर्स कर सकते हैं दुनिया के अंदर, दुनिया को एक बहुत अच्छे रहने की जगह बनाई जा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें बेसिकली इनका कहना है कि भाई चैट जीपीटी को रेगुलेट किया जाना चाहिए, उसके लिए लॉज बनाए जाने चाहिए ताकि अल्टीमेटली सिचुएशन जो है वो कंट्रोल और टैकल की जा सके। इनसाइड द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कुकीज, देखो कुकीज वैसे तो देखो ये आपके काम का है नहीं, है ना, पर फिर भी शॉर्ट में देखें तो कुकीज बेसिकली क्या है कि आपकी प्राइवेसी के कंसर्न है कि आप कोई भी साइट के ऊपर जाते हो तो वहां पर जो है बेसिकली आपकी चीजों को सेव कर लिया जाता है ना। और आपके लिए सिर्फ आप एक आदमी के लिए वो क्लब होता है और उसके हिसाब से उस आदमी की क्या प्रायोरिटी है, उसने क्या चीज खरीदी ऑनलाइन शॉप से, कैसे कैसे खरीदी, कितने तक का माल वो खरीदता है, कौन सी कंपनी को वो प्रायोरिटी देता है, उसके हिसाब से वो चीजें सारी सेव हो जाती है। तो वो सारी चीजें आपकी कुकीज कहलाती है और उसके हिसाब से जो है बेसिकली आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो फायदा मिलता है ना। ये चीज बेसिकली इसमें देखने को मिल रही है। तो ये कुकीज के ऊपर भी इशू बन रहा है कि भाई ये कुकीज जानबूझ के वो लोग जो रख लेते हैं या फिर रखने की कोशिश रखते हैं या वो किससे शेयर कर देते हैं, कि अगर इस तरह की चीज है तो काफी ज्यादा गलत है और राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस, देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि 5 आई अलायंस जो है इसके तहत ये चीज देखने को मिल रही है कि 5 आई अलायंस जो है उसके अंदर ये चीज देखने को मिल रही है कि सबसे पहले तो ये क्या चीज होती है। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 5 आई अलायंस के अंदर बेसिकली क्या है कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये मिलकर के और बेसिकली क्या करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस का शेयर करते हैं, इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं, उसके बीच में बातचीत करते हैं, और उनका पूरा का पूरा एक सीक्रेट कलेक्टिव डेटा बेस्ड है जिसका नाम है स्टोन घोस्ट, है ना। तो उसके ऊपर ये बात करते हैं। 2016 के अंदर रिसेंटली क्या चीज देखने को मिली थी कि उसका रिव्यू भी हुआ था ये देखने के लिए कि वास्तव में यहाँ पर काम जो है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंटेलिजेंस का सारा सिस्टम आउटपुट मिल रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो उसके ऊपर भी यहाँ पर काम किया गया था और यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है कि इनका जिस तरह से वर्किंग का मेथड है वो अपने आप में बाकी दूसरे जो देश हैं उनके प्राइवेसी में, सिक्योरिटी में और ऑपरेशनल के काम में जो है बेसिकली काफी ज्यादा इश्यूज और हिंड्रेंस जो है वो बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें होने के कारण से अल्टीमेटली यहाँ पर इस तरह की चीजों को जो है बेसिकली क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस किस तरह से काम कर रही है और क्या ये चीज सही है या नहीं, है ना। ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। मनरेगा सोशल ऑडिट यूनिट इन अ स्टेट ऑफ पैरालिसिस इन मेनी स्टेट्स, देखो मनरेगा जो है 2005 के अंदर मनरेगा आया था, लगभग 2008 तक सभी देशों के अंदर, सभी स्टेट्स के अंदर लागू हो गया था। अब इसमें क्या चीज देखने को मिलती है कि मनरेगा के अंदर जो है वो एक ये पॉइंट है कि मनरेगा के अंदर आपको जो है बेसिकली क्या करना पड़ेगा, तो मनरेगा के अंदर आपको जो है वो लार्ज स्केल पर जो है बेसिकली जो है वो सोशल ऑडिट करना पड़ेगा कि वास्तव में मनरेगा में कुछ काम हुआ भी है या नहीं हुआ है ना। यानी कि लोग खुद इस चीज के ऑडिट करेंगे, पंचायत खुद ऑडिट करेगी, लोग ऑडिट करेंगे कि भाई वास्तव में जो काम करवाया गया है मनरेगा के तहत वो काम का है या नहीं है, कैसा काम करवाया गया है, क्या ज्यादा पैसे लग गए, लोग को काम नहीं मिला, इस तरह की सिचुएशन तो नहीं हुई। तो ये ऑडिट जो है बेसिकली की जाएगी, इसको सोशल ऑडिट कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या चीज देखने को मिल रही है कि कई सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर इस तरह की सोशल ऑडिट होती नहीं है जबकि ये कंपलसरी चीज है, अभी यहाँ पर देखने को मिला है कि सोशल ऑडिट होती ही नहीं है ना। तो ये सारी चीजें बेसिकली इसमें देखने को मिल रही है जहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई काफी सारे पैसे लगाने के बावजूद भी इस तरह की ऑडिट ना होना अपने आप में एक गलत चीज है। करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडेंस
क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर टू 9.2 बिलियन ऑन ट्रेड गैप। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जैसे हमने पहले भी बात कर रखी है कि दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब है वो अकाउंट जहाँ पर ना कोई एसेट आपका क्रिएट हुआ है, ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, ऐसा ट्रांजेक्शन आपने इंटरनेशनली किया जो कि रोजमर्रा की जिंदगी का ट्रांजेक्शन है, इसे कोई खास नया एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है। दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट होता है यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर आप ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं जिससे आपका कोई नया असेट क्रिएट होता है या फिर नई लाइबिलिटी क्रिएट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने जो है वो एक लोन ले लिया वर्ल्ड बैंक से, तो ये क्या हुआ कि एक लाइबिलिटी आपके सिर पर आ गई। वैसे ही आपने क्या किया कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गया आपके देश में, तो ये क्या हो गया, एक असेट आ गया आपके देश के अंदर या लाइबिलिटी आ गई। तो ऐसे जब क्या देखने को मिलता है कि इन सब चीजों के होने के कारण से जो है वो करंट अकाउंट जो है ना, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट हो गए। तो करंट अकाउंट में मेजरली क्या चीजें आती है, तो मेजरली रोज का जो हमारा ट्रेड होता है, जो सभी तरह का ट्रेड हम लोग जो है वो देश करते हैं आपस में, वो सारा सारा करंट अकाउंट के अंदर आता है ना। तो ये करंट अकाउंट जो है उसका डेफिसिट बढ़ रहा है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका देश 100 रुपए का इंपोर्ट करता है, 50 रुपए का एक्सपोर्ट करता है, तो इससे में क्या हुआ, 50 रुपए का करंट अकाउंट का डेफिसिट हो गया आपका, है ना, क्योंकि 50 रुपए जो है वो जेब से देने पड़ रहे हैं, है ना। करंट अकाउंट के अंदर एक चीज और होती है जिसको हम लोग रेमिटेंसेस कहते हैं। रेमिटेंस मतलब बाहर से अगर हमारा कोई आदमी बाहर रहता है और वो बाहर से पैसे भेज रहा है, जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं उनके बच्चे बाहर रहते हैं, तो बच्चे पेरेंट्स को अपने पैसे भेज रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपकी जो है बेसिकली रेमिटेंसेज कहलाएगी। अब ये जो रेमिटेंसेज है इनके साथ में विशेष बात क्या है कि ये जो सारी रेमिटेंसेज है ये जो रेमिटेंसेज हैं ये काफ़ी हेल्प करती है इंडिया को अपने पेमेंट करने के लिए। नॉर्मली हमारे इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट हमारे 800 बिलियन के आसपास है जबकि एक्सपोर्ट 450 बिलियन के आसपास में। तो ऐसे में बाकी जो 450 बिलियन है उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 450 बिलियन के लिए हम लोग बेसिकली जो पेमेंट है वो हेल्प लेते हैं हम लोग इस तरह से, जो आपके जो बाहर से जो रेमिटेंसेज आते हैं उसकी हेल्प से। तो उसके बावजूद भी करंट अकाउंट रहता डेफिसिट में ही है। जैसे मान लीजिए कि 50 रुपए का आपने एक्सपोर्ट किया है, 100 रुपए का इंपोर्ट किया है, तो 30 से 35 रुपए आपके क्या आ गए, आपके रेमिटेंसेज आ गए बाहर से, तो अल्टीमेटली आपका डेफिसिट कितना रह गया, 15 रुपए का। तो करंट अकाउंट है तो डेफिसिट में ही पर कितना है, 15 रुपए का। तो उसके बाद में फिर आरबीआई खुद के जो डॉलर्स है वो पेमेंट करके और बेसिकली इस तरह की चीजें करती है ना। तो ये जो चीज़ है करंट अकाउंट कहलाती है। और जैसे जैसे ट्रेड का डेफिसिट बढ़ेगा, जैसे जैसे जो है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जो है वो डिस्टेंस बढ़ेगा, उसी के साथ जो है बेसिकली आपके जो है वो करंट अकाउंट का डेफिसिट भी बढ़ता जाएगा, है ना। इससे इफेक्ट अल्टीमेटली क्या होता है, तो इसका इफेक्ट ये है कि सरकार के पास में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाता है, सरकार की इमेज जो है वो मार्केट में डाउन हो जाती है। तो ये सारी चीजें बेसिकली इसमें देश में देखने को मिलती है। नागोरा करबाग सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट सेज इट विल डिसॉल्व इटसेल्फ एज पीपल फ्ली। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि नागोरा करबाग रीजन, ये जो रीजन है उसमें अजरबैजान नाम का जो एरिया आपको येलो में दिख रहा है, वो सारा का सारा जो एरिया है वो एरिया जो है बेसिकली आपके अजरबैजान का है, जो कि मुस्लिम्स कंट्रोल टेरिटरी। अर्मेनियन जो लोग हैं वो बेसिकली मुस्लिम्स नहीं है, क्रिश्चियंस लोग है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि नागोरा करबाग रीजन जो कि आपको इसमें दिख रहा है, जो कि ऑरेंज कलर के अंदर है, ये एरिया जो है पूरा का पूरा इसके अंदर यहाँ पर ये इशू देखने को मिला था कि इस पूरे एरिया के अंदर ये चीज़ सामने आई कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अर्मेनियन है, लेकिन ये एरिया किसके कंट्रोल में है, तो एरिया अजरबैजान के कंट्रोल में। तो अजरबैजान का कहना था कि ये जगह मेरे को दे दो, आपकी नहीं है ये, जबकि इन लोगों का कहना था कि भाई हम लोग जो है वो आपके आपके जैसे जो है वो आपके एथनिसिटी के नहीं है, तो ऐसे आप हमें जो है वो अलग से रहने दीजिए, अलग से हम लोग देश हैं। तो अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा फियर्स फाइटिंग कब से चल रही थी, लेकिन अब रिसेंटली क्या हुआ कि अजरबैजान ने एक फियर्स अटैक किया इन एरियाज के अंदर, जहाँ पर जो है वो जो सेपरेटिस्ट लोग हैं जो कि इसको एक अलग देश बनाना चाहते हैं नागोरो करबाग रीजन को, तो वो जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उन्होंने ये कोशिश करी कि भाई हम लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो अलग देश बनाएंगे, लेकिन अजरबैजान ने इतना फियर्स अटैक किया है कि यहाँ के जितने लोग रहने वाले हैं वो सारे के सारे जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर के आर्मेनिया चले गए और एग्जोडस हो गया उनका आर्मेनिया में। अल्टीमेटली लगभग आधे से ज़्यादा लोग जा चुके हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ की जो सरकार थी उसने भी ये कह दिया कि भाई हम ठीक है खुद को डिसॉल्व कर लेंगे और सारा का सारा रूल अजरबैजान को अब दे देंगे। तो लगभग जितनी भी लड़ाई थी वो अब समाप्त होने की तरफ जा रही। रशिया टू हाइक इट्स डिफेंस
स्पेंडिंग बाय 70% 70% डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दी जाएगी रशिया की, क्योंकि रशिया जो है बेसिकली जिस तरह के वॉर में इंडल्ज्ड है उसके कारण से काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता है। इन्फ्लेशन ज़्यादा और वीक करेंसी होने के बावजूद भी ये चीज़ की जाएगी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि और कोई ऑप्शन जो है वो दिख नहीं रहा है रशिया के सामने। ताइवान ने अभी रिसेंटली जो है वो सबमरीन को टेस्ट किया है, और वो जो चीज़ है काफ़ी क्रूशल हो जाती है, क्योंकि हाउसंग जो आपकी सबमरीन है उसके सामने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इशू बनता है, क्योंकि सबमरीन जैसे आप टेस्ट करते हो तो अल्टीमेटली क्या होता है कि चाइना को डायरेक्टली आप चैलेंज कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें बेसिकली इसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा शॉर्ट न्यूज़ है जिसके अंदर जो है एक डिक्शनरी जो है वो लैंग्वेजेस को रखने के लिए यहाँ पर शुरू की गई है, तो शब्द संग्रह है ना, और ये इसके अंदर काम की है। मॉब जो है उसने मणिपुर के सीएम को होम को जलाने की कोशिश करी थी, तो ये भी इसमें क्वेश्चन है। इसके अलावा जयशंकर जो है उन्होंने ब्लिंकिन से बात करी है, और बेसिकली कई सारे इश्यूज के ऊपर यहाँ पर उनकी बात देखने को मिली है। आल अतिया जो है बेसिकली मोटर स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो शूटिंग में जीते हैं। इसके अलावा एक्टर मिशेल जो है उन्होंने उनकी जो है रिसेंटली डेथ देखने को मिली। तो ये था आज का हमारा न्यूज़पेपर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको हो तो आप हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं, हम लोग जो है आपको जवाब देंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो एंड वेलकम टू लॉ प्रैप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो सैटरडे का न्यूज़पेपर था उसको। ओके, जैसे हमारे पुराने न्यूज़पेपर्स बाकी हैं तो हम लोग उसको थोड़ा सा अच्छे से पूरा देख रहे हैं, पीछे की जो भी चीज़ें हैं हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आज इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो फ्राइडे के डाल रखे हैं, तो आप लोग जब उसको देख लें पढ़ लें तो आप उसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, 10 क्वेश्चंस जैसे हम लोग रोज डालते हैं तो वो क्वेश्चंस उसके अंदर हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट न्यूज से, कावेरी डिस्प्यूट, CWMA अपहोल्ड्स पैनल्स डिसीजन। देखो यहाँ पर क्या चीज देखने को मिल रही है, दैट कावेरी वाटर मैनेजमेंट जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वाटर रेगुलेशन की जो कमिटीज है उन सब ने मिलकर के और बेसिकली यहाँ पर बात करी है कावेरी डिस्प्यूट के ऊपर। इस पर गौर करें, कावेरी डिस्प्यूट बेसिकली क्या चीज़ है। कावेरी जो नदी है ये कर्नाटका और बेसिकली जो है वो तमिलनाडु के बीच का एक बहुत बड़ा इशू है। कर्नाटका और बेसिकली तमिलनाडु क्या चाह रहे हैं कि दोनों ही चाह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी कावेरी जो रिवर है उनका उन स्टेट्स को मिले। उसका रीज़न बेसिकली क्या है कि इन पूरे एरियाज के अंदर जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो बेसिकली डिपेंडेंट है कावेरी रिवर के ऊपर अपने वाटर नीड्स के लिए, अपने इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए। ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि क्योंकि इस बार रेनफॉल ज़्यादा कम हुई है, काफ़ी कम रेनफॉल हुई है, तो अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट है रिवर वाटर की वो और ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों ही साइड से ज़्यादा इशू चल रहे हैं कावेरी वाटर के ऊपर, उसके रिलेटेड डिस्प्यूट्स के ऊपर। तो ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इशू जहाँ पर बना था, जहाँ पे कर्नाटका जो है बेसिकली पानी देने के लिए तैयार नहीं था, और बेसिकली यहाँ पर तमिलनाडु और ज़्यादा पानी लेना चाहता था। कर्नाटका काफ़ी सारे अथॉरिटीज़ की ये बात कहने के बावजूद भी कि ये जो चीज़ है वो अल्टीमेटली पानी जो है वो तमिलनाडु को मिलना चाहिए, उसके बावजूद भी वो अलाउ नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि अब जो सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने खुद ने जो है बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने एक जजमेंट दिया है जहाँ पे इनका कहना है कि भाई कर्नाटका को 3000 क्यूबिक फीट पर सेकंड जो पानी है, यानी कि 3000 क्यूसेक पानी जो है वो तमिलनाडु को छोड़ना पड़ेगा इनको 15 अक्टूबर तक, है ना। तो ये एक बड़ा जजमेंट इस चीज़ के ऊपर आया है। इस चीज़ पर गौर करें कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जितने भी होते हैं और इंटरस्टेट वाटर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड भारत सरकार बेसिकली क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के पास में इसमें ये रहता है कि आर्टिकल 262 के तहत जो है वो सरकार यहाँ पर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के ट्रिब्यूनल्स बना सकती है और इंटरस्टेट काउंसिल्स बना सकती है जिसके बेस के ऊपर वो काम करें, है ना। तो ऐसे सरकार ने काफ़ी सारे जो है वो इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट के ट्राइब्यूनल्स वगैरह भी बनाए हैं इस चीज़ के लिए। सबसे पहला ट्राइब्यूनल जो है वो कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल बनाया था, कृष्णा रिवर जो है, देखो जो आपको यहाँ पे कृष्णा रिवर दिख रही है, ये देखो कावेरी के जस्ट ऊपर कृष्णा रिवर है ना। तो ये जो रिवर है इसके लिए सबसे पहले जो है वो बनाया गया था, सबसे पहले ये जो कृष्णा रिवर है इसके लिए बनाया गया था, है ना। और उसके बाद में जो है वो काफी दूसरे रिवर्स को भी साथ में लिया गया है। इसी तरीके से कावेरी का भी बनाया गया है ना। कावेरी रिवर का ये पूरा फ्लो है सिस्टम, जहां पर ये कर्नाटका से शुरू होती है, ब्रह्मगिरी हिल्स से जो है बेसिकली शुरुआत होती है इसकी, और ये आगे चल करके और बेसिकली बे ऑफ बंगाल के अंदर ये कंप्लीट करती है रिवर अपने आप को, है ना। इसके रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं वो सारे सारे इसमें दे रखे हैं कि किस तरह से वो निकलती है, कहाँ पर चलती है, क्या क्या नए नए काम वो जो है उसके देखने को मिलते हैं हमें। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, तो वापस जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो उसमें देखने को मिल रही है एशियान की, जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि एशियन गेम्स के अंदर ये चीज़ सामने आ रही है कि इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, और
मेडल्स के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने सामने देखने को मिली है, जहां पर जो है वो इंडिया के कई सारे लोग जो है वो काफी सारे मेडल्स ले रहे हैं, है ना। जैसे किरण बालियान जो है उन्होंने शॉटपुट में काफी सारा अच्छा मेडल लिया है। इसके अलावा स्वप्निल जो है, ऐश्वर्य जो है, वो अखिल जो है, ये भी काफी मेडल्स ले रहे हैं। राम कुमार और सकने में भी काफी मेडल्स देखने को मिले हैं। ईशा सिंह ने भी सिल्वर लिया है पिस्टल के अंदर। तो कई सारे एरियाज के अंदर हम लोग जीत रहे हैं। तो मेजरली जितने आपको याद हो सके, पॉसिबल हो, उतने आप लोग कोशिश करें जीतने, याद करने के लिए, और उतना ही जो है बेसिकली, क्योंकि इसके आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपके पेपर से पहले, पेपर से 3 से 4 महीने पहले जगह जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, है ना। तो ये चीज के कारण से ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन वुमेन क्लिंचेस ब्रॉन्ज, मेन टू कंटेस्ट फॉर गोल्ड मेडल्स। देखो ये भी चीज इसमें देखने को मिल रही है। ब्रॉन्ज रिसेंटली, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कई कई सारी चीजों के अंदर हम लोग जीत रहे हैं, तो कोशिश करें कि सारे नहीं तो कम से कम मेजरली नाम आपको याद हो। पुश फॉर मोर वुमेन दिस टाइम इन द पुलिस। देखो यहाँ पर क्या चीज देखने को मिल रही है कि इंडिया के अंदर जो है बेसिकली जो वुमेन इन पुलिस है, या वुमेन का जो रिजर्वेशन है, वुमेन का जो मूवमेंट है, तो रिसेंटली क्या देखने को मिला है कि पार्लियामेंट ने क्या किया कि वुमेन का जो रिजर्वेशन है वो 1/3 वुमेन का रिजर्वेशन करने के लिए जो है वो बिल पास कर दिया। और जैसे ही 1/3 वुमेन का रिजर्वेशन करने के लिए बिल पास किया, तो अल्टीमेटली क्या चीज देखने को मिली कि यहाँ पर ये चीज देखने को मिली कि वुमेन का रिजर्वेशन आज की डेट तक काफी कम था, है ना। लेकिन अब जो है वो वुमेन का रिजर्वेशन इसमें बढ़ाया जा रहा है। तो वैसे ही ये जो है वो अब आज ये जो एडिटोरियल है उसके अंदर ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पुलिस फोर्सेस के अंदर भी, उसके अंदर भी काफी सारे रिफॉर्म्स और चेंजेस करने की आवश्यकता है। सबसे पहला जो चेंज और जो सबसे पहले चेंजेस की जो रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, वो ये है इस चीज की दैट आपके पुलिस फोर्सेस के अंदर जो सिस्टम है पूरा का पूरा, वो आज की डेट में अच्छा नहीं है। उसका रीजन बेसिकली क्या है कि वुमेन सिर्फ 11% ऑफ द फोर्सेस ही है। सिर्फ 11% फोर्सेस के अंदर वुमेन है। सिर्फ 11% फोर्सेस में वुमेन होने का अल्टीमेटली इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि इस पूरे एरिया के अंदर जो है वो वुमेन का इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि भाई वुमेन जिन जिन एरियाज में चाहिए होती है, भाई वुमेन रिलेटेड क्राइम में तो वुमेन की जरूरत होती ही है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में भी या दूसरे एरियाज में भी जेंडर इक्वालिटी बेस रखने के लिए भी वुमेन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि वेमेन का रिप्रेजेंटेशन इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं या फिर बहुत कम है। सिर्फ 11% वेमेन जो है वो पुलिस फोर्सेस में है, यानी कि जो रेशियो 90% केसेस के अंदर गलत माना जाता है, जो रेशियो तकरीबन तकरीबन जो है वो 45 से 50% के आसपास में होना चाहिए था, वो रेशियो जो है वो 11% है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। इंडिया के कारण, इंडिया के अलावा दूसरे भी काफी देश हैं जो कि इस चीज की कोशिश कर रहे हैं। इवन कई सारे स्टेट्स भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जा सके, लेकिन वो आज की डेट में पॉसिबल दिख नहीं रहा है। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपके पार्लियामेंट ने, सॉरी, अभी रिसेंटली जो बिल पास करे हैं, तो उसके अंदर भी ये चीज देखने को मिल रही है कि पार्लियामेंट जो है उसके साथ में ये चीज सामने आती है दैट पार्लियामेंट अल्टीमेटली जो है वो ये बिल पास भी कर देगा, तो डिलिमिटेशन के बाद में ये चीज़ हो पाएगी। और डिलिमिटेशन 2026 के अंदर होगा, 29 तक होगा पूरा। तो इनका कहना है कि भाई 2035 तक जो है वो ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, उससे पहले पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली इसको बता रही है कि भाई वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो हम करवाना चाह रहे हैं वो आज की डेट में पॉसिबिलिटी उसकी कम है। सेकेंड, इनका कहना है कि भाई 50% जो रिजर्वेशन आ रहा है, 50% जो रिजर्वेशन दिया देने की, जो 50% तक जो है वो बेसिकली आपको रिप्रेजेंटेशन पुलिस में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो वो चीज़ आज की डेट के अंदर जो है वो शायद पॉसिबिलिटी है कि अगले 25-30 साल लग जाएंगे इस चीज़ के लिए कि वुमेन का रिजर्वेशन, वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पुलिस फोर्सेज के अंदर वो बढ़ सके, है ना। तो ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है कि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है इस चीज़ के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन देखने को मिला है कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी काफ़ी सारे इंसेंटिव दे रही है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज इस तरह की ला रही है जिसके तहत जो है वो ज्यादा से ज्यादा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो, देखने को मिले आपके पुलिस फोर्सेस के अंदर, है ना। तो ये चीजें इसमें देखने को मिल रही है। एक्सटेंडेड एक्सक्लूजन, यहाँ पर क्या चीज देखने को मिल रही है कि आफ्सपा जो है ना, आफ्सपा के तहत यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है कि आपके जो मणिपुर है उसके अंदर सिचुएशन थोड़ी बन रही है कि भाई आफ्सपा एक्ट को यहाँ पे लगाया जाए। आफ्सपा बेसिकली क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, जिसके तहत स्पेशल पावर्स दी जाती है आर्म्ड फोर्सेस को इसे एक एरिया के अंदर कि वो इस पूरे एरिया को रूल कर सकते हैं। जैसे नागालैंड के अंदर हम लोग मोस्टली इस चीज़ को देखते हैं कि आफ्सपा वहाँ पर जैसे लगा हुआ है तो उस पूरे एरिया को आर्मी ही रूल करती है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर आफ्सपा लग जाना चाहिए, मणिपुर की इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहा जा रहा है कि सरकार जो है बेसिकली वो आफ्सपा को नहीं लगा रही है। उसका रीजन बेसिकली सरकार ये कह रही है कि इसका रीजन बेसिकली ये है कि किस तरह से जो है वो सरकार
सरकार का ये कहना है कि भाई इसका रीजन सीधा सा ये है कि आपके यहाँ पर जो है बेसिकली जो रिसर्च है वो की नहीं गई है कि वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर की हालत कितनी खराब है। वास्तव में बोला ये जा रहा है कि सरकार ये काम इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ की जो मेजोरिटी है, जो कि वोटर है गवर्नमेंट की, वो बेसिकली इस चीज़ से जो है नाराज हो जाएगी कि भाई इस पूरे एरिया में आसपा आपने क्यों लगाए, हमारे राइट छीन गए सारे के सारे। तो उस कारण से सरकार यहाँ पर आसपा नहीं लगा रही है, जबकि रियलिटी में सिचुएशन जो है वो आसपा लगाने जैसी ही है। तो ये इनका कहना है कि भाई सरकार अपने पॉलिटिकल गेन्स जो है उनको आगे देखते हुए जो है बेसिकली इस पूरे एरिया के अंदर पीस नहीं लाने की कोशिश कर रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत सिचुएशन देखने को मिल रही है। ग्लोबल डिस्प्यूट सेटलमेंट इंडिया एंड एपलेट रिव्यू, देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है। इनका ये कहना है कि देखो इसमें क्या होता है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझें। मोस्टली क्या चीज़ देखने को मिलती है कि WTO जो है, WTO के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी केस होता है ट्रेड से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो ट्रेड है इस पूरे एरिया के अंदर, WTO के अंदर जितना भी ट्रेड का पूरा सिस्टम होता है, वो उसके ऊपर सारे लॉज बनाए जाते हैं, है ना, वो कन्वेंशंस बनाई जाती है। अगर कोई देश उन कन्वेंशंस को तोड़ता है तो ऐसे में WTO के अंदर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पूरा कोर्ट है वहां पर जो है बेसिकली यहाँ पर जो है वो अपील की जाती है, केस किया जाता है देश के खिलाफ। जैसे इंडिया के खिलाफ केस हुआ था कि भाई इंडिया जो है वो काफी ज्यादा ड्यूटीज लगा रहा है सोलर पैनल वगैरह पर, है ना। तो इस तरह के कई सारे देशों के ऊपर केसेस होते रहते हैं कि भाई वो देश सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जो वहां पर अगर मान लीजिए आप हार जाता है, कोई देश वहां पर हार जाता है, तो ऐसे में देश जो है वो अपील कर सकता है उस केस की अपने अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, जो भी जो कि जो है वो WTO के अंदर होता है। अब WTO का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके अंदर आप अपील कर सकते हैं उसकी। तो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है उसके सामने दिक्कत ये देखने को मिल रही है कि उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट है, होता क्या है कि इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं किए जाते हैं, वो सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट है वो किए जाते हैं आपके कंसेंसस से, यानी कि सभी देश मिलकर के हाँ बोलते हैं तभी कोई चीज़ के ऊपर हाँ बोली जाती है, मानी जाती है। तो ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि भाई कंसेंसस तभी होता है, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका यहाँ पर रोक रहा है, अमेरिका अपनी कंसेंट नहीं दे रहा है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है कि जिसका इफेक्ट अल्टीमेटली ये सामने आ रहा है कि अपॉइंटमेंट का एग्री नहीं होने के कारण से अल्टीमेटली क्या देखने को मिल रहा है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम के को जो है वो रोक दिया गया है और एपिलेट पूरा पूरा सिस्टम रुक गया है। एपिलेट बॉडी के अंदर कोई है ही नहीं, और एपिलेट बॉडी में कोई नहीं होने के कारण से अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि केसेस जो है वो आगे से आगे पाइल अप हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल रही है। इंडिया की भी ये सिचुएशन है जहाँ पर जो है बेसिकली क्या हो रहा है कि एपिलेट सिचुएशन के अंदर हालांकि इंडिया इसका बेनिफिट भी कई जगहों पर ले रहा है ना। इंडिया ने हालांकि फॉर्मली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है इसके ऊपर, लेकिन इंडिया जो है बेसिकली क्या कर रहा है कि एपिलेट जो ज्यूरिसडिक्शन है वो नहीं होने के कारण से बेसिकली इंडिया के खिलाफ जो भी केस है जिसमें इंडिया हारा है, तो इंडिया ये कहता है कि भाई मैंने तो अपील कर रखी है लेकिन वहां पर कोई बैठने वाला है नहीं, तो मेरी गलती थोड़ी है ना। तो अल्टीमेटली क्या चीज देखने को मिल रही है कि वहां का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके ऊपर यहाँ पर जो है बात की गई है। इनका कहना है कि भाई अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसको वापस से रिव्यू करना चाहिए और वहां पर जो है वो अमेरिका को जो जिस तरह से उसने अपना स्टैंड लिया है उसको अंदर चेंजेस किए जाने चाहिए ताकि WTO का सिस्टम पूरा जो है वो जैम ना हो जाए, है ना, सिस्टम पूरा का पूरा सही रहे और कोई भी तरह की दिक्कतें उसमें ना आए, उस चीज से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पर बात की गई। ट्रबल्ड वाटर्स, देखो यहाँ पर क्या चीज देखने को मिल रही है कि साउथ चाइना सी जो है, जैसे हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर रखा है, साउथ चाइना सी के अंदर रिसेंटली क्या चीज़ देखने को मिली है कि वहाँ पर जो है वो बेसिकली एक पूरे एरिया के अंदर, जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि चाइना जो है वो उस पूरे एरिया में बहुत बड़े एरिया को क्लेम करता है, वो जहाँ जहाँ पर क्लेम करता है उन एरियाज के अंदर, तो ये चीज़ देखने को मिलती है कि उन सभी एरियाज के अंदर ये चीज़ सामने आती है कि जहाँ जहाँ पर वो क्लेम करते हैं उन उन एरियाज में जो है वो वियतनाम का, फिलीपींस का, या फिर आपके दूसरे जितने देश हैं उन सभी का जो है वहाँ पर एरिया है। ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि चाइना ने पहले क्या किया था कि एक एरिया के अंदर जो है पानी में अपनी तार लगा दी थी कि भाई इस एरिया के अंदर मेरा एरिया है। सभी देश चाइना से डरते हुए अपने एरिया के अंदर उनके तार होने के बावजूद भी उसको हटाते नहीं थे, लेकिन रिसेंटली क्या देखने को मिला है कि फिलीपींस का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बात कह दिया है कि आप जो है वो अपनी आर्मी को उन्होंने बोल दिया है कि आप जो है वो ये जो चाइना ने ये जो तार डाला है इस तार को आप हटा दीजिए, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग अब चाइना की बात को नहीं मानेंगे कि चाइना का एरिया जो है वो साउथ चाइना सी में इस एरिया तक है, ये पूरा का पूरा एरिया फिलीपींस का है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि फिलीपींस और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो लगातार अब बढ़ने की तरफ जा रही है, और बेसिकली स्कॉलबॉक शोल जो है ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट आगे चलने को देखने को मिल सकता है, ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है।
अफगान कॉन्सुलेट काउंटर्स एम्बेसीज डिसीजन टू शट डाउन। यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि अफगानिस्तान जो है बेसिकली वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी इंडिया के अंदर है वो शट डाउन हो रही है, उसको बंद किया जा रहा है ना, क्योंकि उसको चलाने के लिए जो पैसे हैं वो अफगानिस्तान सरकार के पास है नहीं। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली इसमें देखने को मिल रही। लॉ पैनल वर्क्स ऑन मैकेनिज्म फॉर साइमल्टेनियस पोल्स। साइमल्टेनियस पोल्स यानी कि एक साथ चुनाव करने के लिए लॉ पैनल जो है वो वर्क कर रहा है। साथ में चुनाव कराने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो उसमें गौर करें, जैसे होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के चुनाव अलग अलग समय में होते हैं है ना, और लोकसभा का जो चुनाव है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो अलग समय में होता है। तो इस कारण से बेसिकली क्या होता है कि जो देश है वो पूरा का पूरा एनी टाइम इलेक्शन के मूड में ही रहता है। और इस कारण से क्या होता है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनका सारा दिन भर काम ही रह जाता है कि वो आज यहाँ इलेक्शन है कल वहाँ इलेक्शन है, तो वो पूरे टाइम पे अपनी अपनी जो है बेसिकली काम के बारे में ही बताते रहते हैं। इन सब चीज़ों के होने के कारण से अल्टीमेटली क्या होती है कि सरकार की एफिशिएंसी गिर जाती है। तो इनका ये कहना है कि भाई ये जो एफिशिएंसी है वो गिरे ना, उस चीज़ के लिए सरकारें क्या कोशिश करें कि सभी जितने चुनाव है वो सारे के सारे एक साथ एक बार में हो जाए ना, ताकि कोई इशू ना रहे। तो ये जो चीज़ है बेसिकली इसको यहाँ पर सामने रखा गया है कि भाई लॉ पैनल इसके ऊपर वर्क कर रहा है, जल्दी इसके ऊपर वो रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। रिज्यूम एग्जाम जो है उनको रिसेंटली सस्त रामानुजन प्राइज जो है वो दिया गया है। तो ये एक और नई न्यूज़ है जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके इस चीज़ में गौर करें कि ये जो इस तरह की जो न्यूज़ होती है वो मोस्टली क्लैट के लिए तो काम की होती है, एलिट के अंदर ज़्यादा काम की होती है। क्लैट जो है एलिट जो है बेसिकली इस तरह की छोटी छोटी न्यूज़ को लेकर के एक एक क्वेश्चन बनाता रहता है। एलिट को एक एक करके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो इसलिए वो छोटी छोटी एक एक न्यूज़ पकड़ता है, तो उसमें एक चीज़ काम की हो सकती है। तो रामानुजन प्राइस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कब शुरू हुआ है, 2005 के अंदर शुरू हुआ है। एडमिशन कौन करता है, तो अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थियोलॉजिकल फिजिक्स जो है उसके अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर, है ना। कब शुरू हुआ, तो 1964 के अंदर फाउंड किया गया था, जो कि अब्दुल सलाम जो थे जो कि नोबेल लॉरेट थे उनके उनके हिसाब से इसको शुरू किया गया था, है ना। ये चीज़ इसमें देखने को मिल रही है। श्रीनिवास रामानुजन जो इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन थे, कब हुए, तो 22 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था मद्रास के अंदर, है ना। तो ये जो है बेसिकली उनकी उनके ऊपर अभी रिसेंटली एक फिल्म भी बन चुकी है जैसे आप लोगों को पता है ना। नेशनल मैथमेटिक्स डे भी इनकी ही याद में दिसंबर 22 को मनाया जाता है। तो ये चीज़ है। चाइनाज क्रॉस सी बुलेट ट्रेन्स विल लिंक 5 सिटीज इन फुजियान। फुजियान के एरिया में जो है बेसिकली क्रॉस सी बुलेट ट्रेन्स जो है वो लगेगी, और ये जो है एक नई पकड़ जो है वो चाइना के आगे। देखो चाइना की विशेष बात यह है कि उनकी ट्रेन्स की स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है, उनकी ट्रेन्स की जो स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, और तकरीबन 350-400 के आसपास की स्पीड उनकी देखने को मिल रही है ना। जबकि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो वंदे भारत की जो स्पीड है वो 110 के आसपास ही है ना। तो ये चीज़ें क्या बताती है कि भाई इंडिया को आज भी काफ़ी बड़ा जो रूट है उसको पकड़ना अभी भी बाकी है। तो ये चीज़ें बेसिकली यहाँ पर जो है देखने को मिल रही। और ड्राई अगस्त लिफ्ट कोर सेक्टर ग्रोथ टू अ 14 मंथ हाई। यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि जो आपके अगस्त का जो महीना था उसके अंदर जो है बेसिकली कोर सेक्टर की ग्रोथ जो है वो उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिली कि 14 मंथ हाई देखने को मिली है। कौन से सेक्टर हैं, तो 8 कोर सेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% वेटेज रखते हैं, जिसके अंदर जो है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स नाम के चीज़ें हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, तो बेसिकली ये चीज़ बताता है कि भाई इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ है इंडिया के अंदर, कौन कंपाइल करता है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको कंपाइल करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर काम करती है ना। इसमें ब्रॉडली 3 सेक्टर्स हैं जिसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी जो है मेजरली इसके अंदर सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इसमें 40% के आसपास में जो रिप्रेजेंटेशन है वो 8 कोर सेक्टर्स का होता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था। बेस ईयर का क्या रहता है, तो 2011-12 का बेस ईयर रहता है। ओके, ये वेटेज है, परसेंटेज पर इंडस्ट्रीज कितना होगा वो चीज। फिस्कल डेफिसिट हिट 36% ऑफ फाइनेंशियल ईयर टारगेट्स इन अगस्त। देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर का जो टारगेट है उसका फिस्कल डेफिसिट 36% ले लिया गया। इसका मतलब क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सरकार के पास में मान लीजिए खर्चने के लिए 100 रुपये हैं, सरकार का एक्सपेंडिचर 130 रुपये है। ऐसे में क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि सरकार क्या करेगी, 30 रुपये उधार लेगी या फिर नए नोट छापेगी,
तो ये जो 30 रुपए है इसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट जैसे मान लीजिए कि जो 30 रुपए हैं ये पूरे साल के अंदर हम लोग को एक्स्ट्रा लेने थे, तो पूरे साल में जो 30 रुपए लेने थे यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक, क्योंकि तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से होता है, 1 जनवरी से नहीं होता है। तो ऐसा 1 अप्रैल को अगर आप खर्चा करना शुरू करें तो आपको जो 30 रुपए है वो 31 मार्च तक जो है वो खर्चने हैं इससे, है ना। तो इस पीरियड का जो खर्चा है तो अगस्त तक यानी कि अप्रैल से लेकर के अगस्त तक का जो महीना है उसके अंदर जो 30 रुपए आपको लेने थे उसका 36% जो है वो आप अभी से ही खर्च चुके हैं, है ना। यानी कि मान लेते हैं अगर कि आपको अगर 30 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट करना था, जो आपका बजट था उससे जितनी आपकी इनकम थी उससे 30 रुपए ज्यादा अगर आपको उधार लेना था, तो आपने 36% यानी कि अगर इस अजम्पशन के बेस पर चले तो तकरीबन तकरीबन जो है वो आपके 10 से 11 रुपए जो है बेसिकली अगस्त तक ही ले लिया है सरकार ने। यानी कि सरकार के पास में बहुत सारा टाइम पीरियड पड़ा है लेकिन अब उधार सरकार कम ले सकती है उस तरह की सिचुएशन। तो ये चीज फिस्कल डेफिसिट कहलाती है। फिस्कल डेफिसिट कितना है, 36% ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो है वो हो चुका है। फिस्कल डेफिसिट के अंदर ये भी चीज देखने को मिलती है दैट आपकी जो फिस्कल डेफिसिट है इंडिया में वो एक बड़ा कारण बनता है इन्फ्लेशन का भी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा होता है और सरकार ज्यादा से ज्यादा उधार लेती है या सरकार ज्यादा से ज्यादा नए नोट छापती है तो अल्टीमेटली ज्यादा नोट मार्केट में आ जाएंगे, उनकी डिमांड ही नहीं होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मनी की वैल्यू गिर जाएगी। और मनी की वैल्यू गिरना ही क्या है, इन्फ्लेशन, है ना। तो ये चीज के कारण से बेसिकली फिस्कल डेफिसिट एक हर देश के लिए खराब माना जाता है कि भाई एक लिमिट तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंडिया में फिस्कल डेफिसिट जो है वो जब आपकी जो है बेसिकली इंडिया के अंदर जो रिसेशन आया 2020-21 के अंदर जो सिचुएशन बिगड़ी थी कोविड के कारण से, तो उसके बाद में सब जगह पे मंदी थी। तो मंदी से उभरने के लिए सरकार ने क्या किया, खुद से खूब सारे पैसे लोगों को दिए, पैसे खूब फ्लश करे मार्केट के अंदर ताकि लोगों के पास में पैसे हैं, लोग उसको खर्चे और वो मंदी खत्म हो। तो ऐसा क्या देखने को मिला कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उस समय सरकार की इनकम बहुत ज्यादा गिर गई थी क्योंकि बिजनेसेस थे नहीं तो टैक्स कम मिलता था और सरकार का खर्चा बहुत बढ़ गया था, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरे खर्चे हो। तो अल्टीमेटली क्या चीज देखने को मिली कि इन सब चीजों के होने के कारण से जो है वो फिस्कल डेफिसिट उस समय जो है वो 9% को क्रॉस कर गया था। तो ऐसा क्या हुआ, सरकार ने अब रिसेंटली ये चीज सोची है कि अब फिस्कल डेफिसिट को हम लोग जो है वो कम करेंगे, 4.8% पर लाने की सरकार की इच्छा है। इस साल जो है ये फिस्कल डेफिसिट 5.9% के आसपास है ना। तो ये चीज बेसिकली इसमें देखने को मिलती है। कुछ शॉर्ट न्यूज भी इसके अंदर देखने को मिल रही है जिसमें क्वीन जैंग जो है वो डिलाइट हो गई एज चाइना जो है उसने स्विमिंग पूल के अंदर इसमें डोमिनेटिंग किया है, स्विमिंग के अंदर जो है बेसिकली काम किया है, जहां पर उन्होंने 5th गोल्ड जीता है, एक लाइन जो है वो 5th गोल्ड किया है। तो ये चीज है। शांता कुमार जो है उन्होंने डेकान हेराल्ड के न्यू पीटीए चेयरपर्सन बने हैं, नई गाइडलाइंस प्रपोज की गई है कोचिंग सेंटर्स के लिए, है ना। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पर जो है वो बेसिकली देखने को मिल रही है आपके। तो ये था आज का न्यूज़पेपर आपका, इसको आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम लोग जो है वो आपको जवाब देंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो एंड वेलकम टू लॉ प्रेप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज हम लोग मंडे का न्यूज़पेपर देखेंगे जिसके अंदर जो है वो जो जो न्यूज़ आई थी और जो एडिटोरियल्स आए थे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सैटरडे से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप लोग उसको खुद से देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग रोज 10 क्वेश्चन लेते हैं तो वही सेम चीज़ है। सो फर्स्ट न्यूज है, ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ स्लो टू 10.2% इन सितंबर। देखिए हमने रिसेंटली इस चीज को देखा है दैट जीएसटी कलेक्शंस जो है वो अभी रिसेंटली इंक्रीज हो गए थे, है ना। हमने देखा था दो तरह के टैक्सेस होते हैं इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो चीज है जहां पर जो है वो डायरेक्टली आपकी जेब से पैसे लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब है कि आपको पता नहीं चलता है, आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स पहले से लगा हुआ होता है जो कि ऐड होकर के और आपकी उसकी कॉस्ट में आता है जो कि आपको अल्टीमेटली बेयर करनी पड़ती है। तो जीएसटी जो है बेसिकली इनडायरेक्ट तरह का टैक्स है। इंडिया में पहले बहुत सारे तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे लेकिन बाद में उन सबको एक सब्स्यूम करके और जीएसटी बना दिया गया। इवेंचुअली इससे काफी ज्यादा फायदा भी देखने को मिला और अल्टीमेटली इंडिया के अंदर जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ भी गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया और उसके साथ में जो ये भी चीज देखने को मिली कि सिंप्लीफाई बहुत ज्यादा हो गया पूरा का पूरा सिस्टम और इंडिया के अंदर उसके कारण से जो है वो टैक्सेशन भी इंक्रीज हुआ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंक्रीज देखने को मिला। ये सारी चीजें होने के कारण से अल्टीमेटली जो है जीएसटी का काफी ज्यादा फायदा हुआ और बिजनेसेस बढ़ने के कारण से अल्टीमेटली जीएसटी का रेवेन्यू फर्दर इंक्रीज हो गया। तो ये सारी चीजों के कारण से अल्टीमेटली पहले जो जीएसटी जो है वो 1 लाख के आसपास में रहता था, 1 लाख करोड़ के आसपास में मंथली इनकम रखता था, वो बढ़ता बढ़ता जो है वो अब तकरीबन जो है वो 1.5 को भी क्रॉस करके और 1
180 के आसपास में रहने लग गया था। रिसेंटली उसमें थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है, हालांकि इसे कई सारे रीजंस भी बताए जा रहे हैं कि भाई डोमेस्टिक मार्केट जो है वो हल्का पड़ा हुआ है, बाहर से जो है वो दिक्कतें चल रही है, क्योंकि ओवरऑल जो है वो एक्सपोर्ट का मार्केट की जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो ये जो चीज़ है बेसिकली, इसके कारण से दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और इस कारण से जीएसटी का इतना बड़ा इशू है। जीएसटी क्या है, तो हमने पहले भी इसका देखा था कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको डाला गया है, जिसके तहत जो है वो इंडिया के अंदर जीएसटी जो है वो काफ़ी सारे टैक्सेस को, जैसे सेल्स टैक्स है, वैट है, इन सबको रिप्लेस करके और सिर्फ एक ही टैक्स पूरे इंडिया के अंदर लगेगा। इसके तहत जो है वो तीन तरह के टैक्सेस रखे गए हैं, SGST, IGST और CGST। SGST और IGST जो है उसके अंदर, CGST के अंदर बेसिकली क्या है, SGST मतलब स्टेट के अंदर जो टैक्स लगता है वो SGST, CGST का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो होता है CGST। इसके अलावा जो इंटर स्टेट मूवमेंट करने के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वो होता है IGST, है ना। तो ये तीन तरह के टैक्सेस जो है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। नॉर्मली सभी जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स है वो सारे के साथ जीएसटी में आते हैं, कुछ ही चीज़ें आज भी जीएसटी में नहीं डाली गई है, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, रियल एस्टेट है ना, तो इनको आज भी जीएसटी के अंदर नहीं डाला गया है। जीएसटी के ऊपर कई तरह के जो है वो बेसिकली आपके जो है वो उसमें स्लैब्स बना के रखे गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर स्लैब्स बना दिया है आपके 0 का, 5 का, 12 का, 18 का, 28 का, तो इस तरह से आपने स्लैब्स बना दिए हैं ताकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफस्टाइल के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, उसको कम से कम टैक्स लगाया जा सके, ताकि एक गरीब से गरीब आदमी तक वो चीज़ें पहुँच सके। वहीं दूसरी तरफ जो है वो ऐसी अगर चीज़ें हैं कोई जिसके अंदर बेसिकली कम सिचुएशन वैसी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी चीज़ जैसे लग्जरी कार्स है, तो ऐसे में उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाने से सरकार की भी इनकम होगी और जो पर्सन खरीद रहा है वो ऑब्वियसली रिच पर्सन है, इसीलिए वो लग्जरी कार खरीद रहा है, तो उसको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से टैक्सेस लगाए जाते हैं, वैसे ही जीएसटी को लगाया गया है ना, ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। 2014 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था ये, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है, तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, ये चीज़ इसके अंदर देखने को मिलती है। जीएसटी काउंसिल भी इसके अंदर एक बड़ी चीज़ है, आर्टिकल 279A के तहत जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी काउंसिल, इसको प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं, और उसको जो है बेसिकली हेड कौन करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर्स को हेड करते हैं। इसके अलावा जो स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो भी इसके अंदर मेंबर होते हैं। इसके अंदर ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि सेंटर के पास में जो वोटिंग पावर है वो 1/3 है, स्टेट के पास में 2/3 वोटिंग पावर्स है, और डिसीजन 3/4 मेजोरिटी से होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी मोनोपोली होगी उसके डिसीजन पर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन पसंद नहीं आएगा तो मोस्ट केसेस कभी भी वो चीज़ पास नहीं हो सकती, क्योंकि 75% आपको चाहिए कुछ चीज़ को पास करने के लिए, और सारे स्टेट्स को मिला करके भी उनके पास में 66% ही है ना। तो ये चीज़ों के कारण से ये चीज़ देखने को मिलती है। ऑयल फर्म्स रेज ATF एंड कमर्शियल LPG प्राइसेस। देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि आपके जो ऑयल फर्म्स है उन्होंने जो है वो ऑयल की प्राइसेस को रिसेंटली इंक्रीज कर दिया गया है, और यहाँ से इस कारण से बेसिकली जो है वो इंडिया के अंदर एक लेवल पर जो है वो आपके देखने को मिल रहा है कि शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंडिया के अंदर जो है वो अब इन्फ्लेशन में भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसका एक बड़ा रीज़न जो है वो LPG या फिर ऑयल होते हैं, है ना। तो ऐसा यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि इन सब चीज़ों के कारण से अल्टीमेटली आपके दिक्कतें बन सकती है। सेकेंडली ये भी चीज़ है कि जो एयरप्लेन के अंदर जो फ्यूल काम में आता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है, उसकी भी कॉस्ट इंक्रीज कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि जुलाई से लगातार चौथी बार ये इंक्रीज के आने के कारण से इन्फ्लेशन के गहराने की चांसेस जो है वो इंडिया के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ये चीज़ देखने को मिल रही है। AFSPA एक्सटेंडेड इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि आपके AFSPA ये जो एक्ट है इसको गौर करें आप, ये बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है। इस एक्ट की विशेष बात ये है कि जहाँ पर ये एक्ट लागू होता है वहाँ पर आर्मी जो है या फिर जो फोर्सेज है डिफेंस फोर्सेज वो उस पूरे एरिया को रूल करती है। इसकी बड़ी बात ये है कि यहाँ पर 5 से ज़्यादा लोग अगर एक साथ खड़े हैं, 5 या 5 से अधिक लोग, और सरकार को उनके ऊपर डाउट है, तो सरकार उनको जो है वो मना कर सकती है साथ में खड़े होने की, और सरकार को लगे कि भाई ये लोग सही नहीं है तो उस पर आर्मी ऑफिशियल्स उसके ऊपर गोली भी चला सकते हैं बिना किसी से पूछे, है ना, और उसके लिए उनको कोई भी तरह का कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण से अल्टीमेटली क्या चीज़ देखने को मिलती है कि AFSPA उन एरियाज के अंदर ही होता है जहाँ पर एक नॉर्मल सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, और जहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है या फिर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर एक आम सरकार रूल नहीं कर सकती, तो इसलिए आर्मी को यहाँ का रूल दिया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या देखने को मिलती है कि इस पूरे एरिया के अंदर जिन जिन एरिया में AFSPA को लागू किया जाता है वहाँ पे आर्मी की राइट्स इतने ज़्यादा है। देखिए होता क्या है कि एब्सोल्यूट राइट प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट करप्शन,
ना, तो ऐसे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि एब्सोल्यूट राइट्स जैसे आप देते हो तो एब्सोल्यूट करप्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि आर्मी के द्वारा यहाँ पर कई एरियाज में एट्रोसिटीज देखने को मिलती है। जैसे नागालैंड में रिसेंटली जो है क्या हुआ था कि कई लोगों को मार दिया गया था बिना कारण। कई बार ये भी चीज देखने को मिलती है कि मास लेवल पर आर्मी वाले जो है वो रेप करते हैं यहाँ पे औरतों का, है ना। तो ये भी चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अल्टीमेटली जो है वो जैसे अभी रिसेंटली क्या, जैसे आपके विनोद राय हैं क्या है, उन्होंने अपनी किताब के अंदर काफी ज्यादा स्पेसिफिकली इस चीज के बारे में बताया है कि किस तरह से नागालैंड के अंदर विमेन ने जो है वो नेक्ड प्रोटेस्ट किया, बिना कपड़े पहने कलेक्ट्रेट के सामने प्रोटेस्ट किया था, ये चीज बताने के लिए कि आर्मी वाले जो है वो किस तरह से उनके साथ में रोज के रोज जो है वो हर दूसरे दिन जो है वो रेप करते हैं अपनी पावर्स के कारण से। तो ये जो आफ्सपा एक्ट है इसकी इस तरह से बुराई भी की जाती है कि एब्सोल्यूट पावर जो है वो एब्सोल्यूटली करप्ट कर रही है आर्मी को इस एरिया में। सेकेंडली ये भी चीज है कि आफ्सपा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि आफ्सपा कब बना और पार्लियामेंट में कब लाया गया, कहाँ कहाँ पर आज की डेट में ये है। तो सारी चीजें इसके अंदर लिख रखी है कि 1958 के अंदर बेसिकली इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले ब्रिटिश एरा के अंदर भी इस आफ्सपा लॉ को लाया गया था, जो कि वापस से 1947 के अंदर लाया गया था। आज की डेट के अंदर तकरीबन आसाम में, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के एरियाज में ये काफी ज्यादा हद तक एक्टिव है ना। ये चीजें इसमें देखने को मिल रही है। इंडिया स्टैटिक परफॉर्मेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया का जो स्टैटिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है उसके तहत जो है वो इंडिया की रैंक 67 आई है 174 कंट्रीज में। देखो इसमें क्या चीज देखने को मिलती है, इसमें मोस्टली ये चीज सामने आती है कि स्टैटिस्टिक्स यानी कि आपकी इन्फ्लेशन की रेट क्या है, या देश में एम्प्लॉयमेंट कितना है, देश के अंदर ग्रोथ रेट क्या है, इन सबको जो निकालने का काम है, उसको निकालने का जो तरीका है, ये सारी सारी जो चीजें होती है ये सारे सारे स्टैटिक कमीशन करती है। अब इंडिया में नेशनल स्टैटिक कमीशन ये सारा का सारा काम करती है, और अल्टीमेटली उनका काम सही है या नहीं, उनका चीज़ करने का मेथड सही है या नहीं, उनके जो तरीके अपनाए गए हैं वो तरीके सही है या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में ये चीज़ देखने को मिलती है कि भाई ये तरीकों को सही है या नहीं, ये सब चीज़ देख करके। और अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक जो है वो आपको ये कंपाइलेशन देता है। तो इंडिया की रैंक 67 आई। इसमें देखने की चीज़ ये है कि इनमें कई सारे डायमेंशंस हैं, जैसे डेटा का यूज़ है, सर्विस है, प्रोडक्ट है, सोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो डेटा से रिलेटेड इतने जो 5 पॉइंट है उसके बेस के ऊपर ये स्कोर्स देते हैं। इसमें सबसे कम परफॉर्मेंस जो है वो डेटा यूज और प्रोडक्ट में देखने को मिलती है, जबकि डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट अच्छा है, जबकि डेटा सर्विस और सोर्सेज सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया की देखने को मिलती है ना। तो ये चीज इसमें सामने आ रही है कि इंडिया जो है वो अल्टीमेटली हर जगह पर अच्छा नहीं कर रहा है, कुछ एक एरियाज में अच्छा कर रहा है, लेकिन कई एरियाज में जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो डेटा है उसके अंदर आज भी इंडिया में काफी दिक्कतें आ रही है, और वो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसको अपना नहीं रहा है। कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो है और जो सरकार है उनको ये चीज पता है कि भाई काफी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ओरिजिनल डेटा अगर बाहर आएगा तो काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए सरकारें क्या कर रही है, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके और डेटा सामने रख रही है ताकि उनकी एज जो है, उनकी जो पॉलिटिकल गेन्स हैं वो कम ना हो जाए, है ना। ये चीज चेंजेस इन मॉलडीव्स, देखो यहाँ पे गौर करें कि मॉलडीव्स जो है वहां पर चेंजेस देखने को मिले। रिसेंटली मॉलडीव्स में क्या देखने को मिला है कि वहां पे सरकार चेंज हुई है। नॉर्मली ये चीज देखने को मिलती है कि हर एक एरिया के अंदर ये चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर दो तरह की पार्टीज होती है इंडिया के आसपास के जो देश होते हैं उसमें, एक इंडिया के फेवर की पार्टी होती है, एक इंडिया के विरोध की पार्टी होती है ना। जैसे अभी रिसेंटली चीज देखने को मिल रही है कि नए प्रेसिडेंट आए हैं आबू सोल, है ना, और ये जो चीज है बेसिकली ये 28 में पहले भी जीते थे, है ना। और मेजरली ये चीज देखने को मिलती है कि इनका कई एरियाज में इंडिया के अगेंस्ट में भी मूवमेंट रहता है। नॉर्मली ये चीज सामने आती है कि भाई इंडिया के अंदर जो है बेसिकली इस तरह की सिचुएशन है कि इंडिया ने कई बार मॉलडीव्स को हेल्प करी है, लेकिन मॉलडीव्स बार बार जो है वो इंडिया के, मॉलडीव्स में भी कई सारे जो मेजरली पार्टीज हैं वो इंडिया के फेवर में है, लेकिन कुछ एक पार्टीज इंडिया के अगेंस्ट में भी है ना। तो जैसे 2018 से लेकर के बीच में जो है उनका जो रूल था, तो उसके अंदर मेजरली उनका जो ग्रोथ थी वो चाइना की तरफ देखने को मिल रही थी। चाइना को कई सारे वो जो है बेसिकली प्रोवाइड कर रहे थे, कई एरियाज में चाइना को जो है वो आइलैंड प्रोवाइड किया जा रहा था ताकि आइलैंड जो है वो वहाँ रह सके। अब इससे इफेक्ट क्या होगा कि मालदीव बहुत पास में इंडिया के, और वहां पर अगर चाइना चाइनीज जो है उनको अगर आइलैंड दिया जाता है तो काफी ज्यादा एक दिक्कत वाली चीज इंडिया के सामने हो सकती है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर अगर दिया जाता है तो, है ना। तो ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक इंडिया के लिए हो सकती है। सेकेंडली इसमें ये भी चीज देखने को मिल रही है कि आपके इंडिया आउट कैंपेन भी जो है वो मालदीव के अंदर चल रहा है कि भाई इंडियंस को वहां से निकाला जाए। तो अल्टीमेटली इंडिया की इमेज कई एरियाज में खराब हो रही है इस चीज के लिए। सेकेंडली इंडिया ने यहाँ पर हर जगह पर हेल्प करी, जैसे अगर आप देखेंगे तो 2014 के अंदर हुआ ये था कि 15 के आसपास शायद बात है कि जब जो है वो पूरे के पूरे मॉलडीव के अंदर पानी खत्म हो गया था,
ऐसे में इंडिया जो है वो सुबह 10 बजे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर कॉल आता है मॉल्डीव्स का, भी हमारे पास पे पानी खत्म हो गया तो आप प्लीज हमारी हेल्प करें। तो सुषमा स्वराज जी ने जो है वो बेसिकली बहुत सबसे फास्ट सबसे पहले जो है वो पानी पहुंचाया था मॉल्डीव्स के अंदर, है ना। इसके अलावा चाइना वगैरह ने भी हेल्प करी लेकिन सबसे पहले पहुंचाने वाला इंडिया था। इसके अलावा ऑपरेशन कैक्टस को भी हमने काम में लिया, जहां पर जो है वो एक बार कुछ एक सेपरेटिस्ट और कुछ एक टेररिस्ट ने जो है वो मॉल्डीव्स के जो प्रेसिडेंट है उनको बंदी बना लिया था। तो उन्होंने कैसे भी करके जो है वो इंडिया को फोन किया कि भाई आप हमें बताया, तो अल्टीमेटली इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया जिसके तहत जो है वो वहां के सभी लोगों को बचाया गया और सारी चीजों को जो है वो अपने कंट्रोल में किया गया। तो ये सारी सारी चीजें जो है बेसिकली इसको दिखाती है कि हमारे रिलेशन काफी पहले से अच्छे रह रहे हैं और इंडिया को वापस से कोशिश करनी चाहिए कि भाई इस तरह की चीजें जो है वो सामने दिक्कतें ना आए और कोई भी तरह की दिक्कतें जो है ना आए और मॉल्डीव के साथ हम लोग काम करते रहे ताकि अल्टीमेटली चाइना चाइनीज साइड में उनका जो मूवमेंट है वो कम हो सके या फिर एटलीस्ट इंडिया के स्ट्रैटेजिक इफेक्ट को ना दिखे। अ टाइम टू आर्टिकुलेट न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज फॉर इंडिया। देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है, इनका ये कहना है कि भाई इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाया जाए, क्या चीज़ की जाए, उसमें सबकी अलग अलग राय थी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखने को मिलती है कि भाई जैसे गांधी जी है तो गांधी जी की राय और यहाँ पर जो है बेसिकली आपके अंबेडकर जो है उनकी राय में काफी ज्यादा फर्क था। गांधी जी का ये मानना था कि भाई गांव के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो गांव है वही अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद करें और थोड़ा बहुत जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होनी चाहिए, जैसे डिफेंस वगैरह की। बाकी मेजर जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो सारा का सारा जो है वो बेसिकली आप किसके पास होना चाहिए, तो गांव के पास में होना चाहिए ताकि वो अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन कर ले। वहीं दूसरी तरफ इनकी एग्जैक्टली ऑपोजिट जो सोच थी वो जो थी वो बी आर अम्बेडकर की थी, जिनका ये कहना था कि भाई जो इंडियन जो मासेस है, इंडिया का जो गांव है वो बेसिकली इंडिया का बैकवर्ड सिचुएशन दिखाता है, इलिटरेट सिचुएशन दिखाता है, जो लोग ना चीजें जानते हैं ना सभ्यता जानते हैं और इस कारण से वो जो लोग हैं वो अपने आप को रूल नहीं कर सकते। ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इन सब चीजों के कारण से दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयां थी और इस सब चीजों के कारण से अंबेडकर और गांधी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कभी एक नहीं हो पाए थे कि भाई ये चीजें हैं। तो अल्टीमेटली इनका ये कहना है कि भाई इस तरह की चीजें जो है वो इंडिया के अंदर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन आने की या फिर नए नए क्वेश्चन की या किस तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन गुड गवर्नेंस ला सकता है, इस चीज के ऊपर आज भी जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है कि भाई गुड गवर्नेंस किस तरह से आ सकती है। तो अल्टीमेटली इनका ये कहना है कि भाई गुड गवर्नेंस के लिए अब हम सबको सामने आना चाहिए और नए नए पर्सपेक्टिव नए नए आइडिया सामने रखने चाहिए किस तरह से एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ला करके और हम लोग जो है वो बेसिकली एक अच्छी गवर्नमेंट जो है वो रख सके। क्या गांधीयन मॉडल से काम हो सकता है या फिर जो है वो आपके दूसरे मॉडल से काम हो सकता है। विक्ट्री फॉर द वीक, देखो यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलती है कि वाचतीय जजमेंट रिसेंटली आया है जहां पर ये चीज सामने देखने को मिली है दैट आपकी जो वाचतीय जजमेंट है उसके तहत यहाँ पे ये चीज रिसेंटली देखने को मिलती है कि तमिलनाडु के अंदर ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी के साथ क्या चीज देखने को मिल रही है कि 1993 के अंदर रिसेंटली क्या हुआ कि इनके एरियाज के अंदर जो है वो इनके एरियाज के अंदर सरकार गई और इनको यहाँ से निकालने लगी। जब इन लोगों ने विरोध किया तो अल्टीमेटली इनको मारा गया, मास लेवल पर इनके जो यहाँ पे जो विमेन थे या बच्चे थे उनके साथ में रेप किया गया। अल्टीमेटली इन लोगों ने जो है वो केस किया और केस किया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो उन्होंने सरकार को दोषी ठहराया और जितने भी जो ऑफिसर्स थे उन सबको दोषी ठहराया इस चीज के अंदर कि वो लोग गलत कर रहे हैं। इसके बाद में क्या चीज देखने को मिलती है कि इनको उन्होंने गलत ठहराया और उसके बाद में ये चीज सामने आती है कि जैसे हाई कोर्ट गया केस तो हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया और वापस से ट्राइबल्स के अगेंस्ट में चीज हो गई। लेकिन वापस से भी ये चीज देखने को मिली कि रिसेंटली जो जजमेंट आया है मद्रास हाई कोर्ट का, उनका ये कहना है कि भाई बिल्कुल ही जो है वो सरकार ने यहाँ पे ठीक नहीं किया है और सरकार का फॉल्ट सरकार का यहाँ पे फॉल्ट है और सरकार को इन सभी लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अल्टीमेटली इस पूरे एरिया को छोड़ना चाहिए। ये चीज इस चीज को बताती है कि इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो है वो कई एरियाज में अपनी जो लिमिट्स है उनको क्रॉस कर जाते हैं और उसके कारण से बेसिकली ट्राइबल्स को जो है दिक्कतें होती है। नॉर्मली जो ट्राइबल एरियाज है उसके अंदर उनको इतने राइट्स नहीं होते हैं और ऐसा सोचा जाता है कि भाई 600-700 ट्राइब्स है तो वो आईएएस का कलेक्टर का एसपी का सेक्रेटरी का क्या कर लेंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है रिसेंटली जिसके अंदर जो है वो कोर्ट ने उनको न्याय दिया है तो ये चीज को दिखाता है कि किस तरह से इंडिया के अंदर जो है वो एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस और क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस सिस्टम आज भी जो है वो एक वाइब्रेशन रखता है अपने आप में, है ना। तो ये चीज इसमें देखने को मिल रही है। एजिंग इंडिया नीड्स एज रिस्पॉन्सिव टीबी केयर। देखो यहाँ पे टीबी क्या चीज होती है हमने गौर किया था, टीबी का मतलब होता है आपके जो ट्यूबरक्लोसिस है इसके अंदर बड़ी दिक्कत ये होता है कि टीबी जो है उसके अंदर सबसे पहले तो खुराक ज्यादा चाहिए होती है, यानी दवाई के साथ में जो टीबी का पेशेंट है उसको ज्यादा चीजें खानी पड़ती है, खुराक ज्यादा चाहिए होती है। सेकेंडली क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है,
तो इनका ये कहना है कि भाई टीबी में सिर्फ यही दिक्कतें नहीं है, टीबी में एक बड़ी दिक्कत ये है कि जो एल्डरलीज है यानी कि जो वृद्ध लोग हैं, जो कि ओल्ड एज के लोग हैं, उनको बड़ी भारी दिक्कतें जो है वो इससे देखने को मिलती है। तो इनका ये कहना है कि भाई उनके स्पेसिफिक जो चैलेंजेस होते हैं जीवन के, उसके हिसाब से टीबी की दवाइयां बननी चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीबी की आप ऐसी दवाई दे दो जिससे बीपी या शुगर में चेंज आ जाए, है ना, तो ये सारी चीजें क्या कर सकती है, या फिर ये आंखों के अंदर जो है वो खराबी हो सके हल्की सी, तो इस तरह की चीजों को हटाया जाना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली ये ओल्ड एज के जो लोग हैं वो इस चीज को जो है वो हाथ में नहीं रख सकते, और बेसिकली ये जो चीज है उसको काउंटर करने के लिए उनको ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पे उनकी दवाइयां जो है तकरीबन न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव इफेक्ट रखे उनकी बाकी बीमारियों के ऊपर, है ना। सेकेंडली क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज भी एल्डरलीज के साथ में काफी ज्यादा है, जहाँ पर जो है वो पुअर उनकी जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन होने के कारण से वो हर एक जो है दवाई को जो है वो खरीद नहीं सकते। तो ये सारी सारी चीजें इनका ही कहना है कि भाई पूरी पूरी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए ताकि टीबी से इंडिया जो है वो बाहर निकल सके, और एजिंग इंडिया जो है उसके लिए हम लोग जो है वो एक टीबी के लिए अलग तरह से केयर सामने ला सके। हैविंग हाउस होल्ड सेविंग्स रिड्यूस्ड, देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि हाउस होल्ड की जो सेविंग्स है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरह से जो है वो हाउस होल्ड की जितनी भी सेविंग्स हैं उनको धीरे धीरे जो है भारत सरकार का ये कहना है कि भाई लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए जो है वो सेविंग्स कम हो रही है। लेकिन नॉर्मली ये देखने को मिल रहा है कि सेविंग्स जो है वो 5% पर आ चुकी है गिर के, जबकि वो जो है वो 2020 के अंदर 11.5% पर थी, है ना, तो तकरीबन आधे के आसपास में हो चुकी है। तो इनका ये कहना है कि इसका रीजन ये भी हो सकता है कि भाई ऑप्टिमिज्म आ गया है। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या है, ऑप्टिमिज्म आने का मतलब ये है कि यहाँ पर शायद ऐसी सिचुएशन आ गई हो कि जो लोग हैं वो अब इन्वेस्ट कर रहे हों पैसे बचाने की बजाय, तो इन सब चीजों के कारण से बेसिकली ये चीज हुई है। सेकंड इनका ये भी कहना है कि भाई होम लोन्स डबल हो चुके हैं, जितने लोगों ने होम लोन्स लिए हैं, एजुकेशन लोन लिए हैं, व्हीकल्स के लोन लिए हैं, वो डबल हो चुके हैं। तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि उनकी किस्तें भरने में, उनके इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट करने में ही सारा का सारा समय जो है वो जा रहा है ना। तो ये सारी चीजों के कारण से अल्टीमेटली सिचुएशन कंट्रोल्ड नहीं दिख रही है, लेकिन रियलिटी के अंदर जो लोग डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस को, इस कारण से सेविंग्स गिरती भी दिख रही है। द लार्जेस्ट क्लाइमेट एक्शन लॉ सूट अगेंस्ट 32 कंट्री, देखिए और रिसेंटली क्या हुआ है कि पोर्चुगल के अंदर जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है वो 11 से 24 साल के जो बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उन्होंने जो है वो लोगों ने एक रिसेंटली जो है वो एक केस फाइल किया जिसमें 32 यूरोपियन कंट्रीज को जो उन्होंने दोषी ठहराया है कि उन्होंने किस तरह से यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में कि भाई इन लोगों ने जो है वो इतना पोल्यूशन किया इन देशों ने जिसके कारण से हम और हमारे आने वाले जनरेशन जो है वो सही से जीवन नहीं जी पाएंगे। ये बेसिकली इस चीज़ को दिखाता है किस तरह से एनवायरमेंट से रिलेटेड जो ग्रोथ है और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन है वो हम लोग जो है वो बेसिकली नहीं निभा रहे हैं, जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग कारण से इतना बड़ा लॉस होता जा रहा है, जो कि अब जो है वो ऐसे सिचुएशन में आ रहा है जहाँ पे उसको वापस रिवर्स नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें बेसिकली इसमें देखने को मिली। ओवर 9.2 लाख साइट्स होस्ट क्लीनलीनेस ड्राइव, पीएम अपील्स फॉर स्वच्छता। देखो स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया है, उसके बाद में क्या चीज देखने को मिली कि स्वच्छ भारत अभियान अर्बन और रूरल ये दोनों जो है वो उसको शुरू किया गया है। जो रूरल है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अर्बन जो है उसको आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो है वो काम करती है, अर्बन अफेयर्स जो है उसके लिए काम करती है। इसमें ये भी गौर करें कि आपकी सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति काम करती है रूरल एरियाज में। तो यहाँ पर क्या चीज देखने को मिल रही है कि फर्स्ट फेज जो उसका था वो अक्टूबर 2019 तक था, और सेकंड फेज जो है वो अब चालू हो गया है जो कि 2025 तक जो है वो चलेगा। इसके अंदर जो है पूरे सबसे पहले पूरे इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, जिसके तहत जो है वो हर एक इंडिविजुअल को ₹12,000 दिए जाते हैं घर में टॉयलेट बनाने के, और अगर कहीं पर कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं तो वहां पर ₹3 लाख दिए जाते हैं उसको बनाने के लिए। ये सारी की सारी चीजें बेसिकली इसको दिखाती है किस तरह से इंडिया जो है वो क्लीनलीनेस की तरफ जा रहा है। जो इंदौर है वो बेसिकली जो है वो इसके अंदर लगभग आगे रहता है हर एक चीज के अंदर, है ना, और मध्य प्रदेश के जितने भी शहर हैं उनमें मेजरली क्लीनलीनेस में काफी हद तक ड्राइव देखने को मिलती है। डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली रूल्स को टाइटल कर दिया है किस तरह से डिसेबिलिटी को कंपेंसेशन दे, यानी कि डिसेबिलिटी कंपेंसेशन कोई भी तरह की सिचुएशन में जहां पर जो है वो डिसेबिलिटी हो अगर आर्मी मैन को तो उनको कंपेंसेशन दिया जाता है, तो उसके जो रूल्स है उसकी जो बातें हैं उसको थोड़ा सा टाइटनेस उसमें देखने को मिली। नो शॉर्टेज ऑफ टीबी ड्रग्स इन कंट्री, मीडिया रिपोर्ट्स आर फॉल्स। हेल्थ मिनिस्टर कहना है कि भाई कोई भी तरह की टीबी ड्रग्स की कमी है नहीं इंडिया के अंदर, और लगभग जितनी भी जो दवाइयां हैं वो पूरी पूरी जो है वो मिल रही है, जैसे आइसोसाइनेड है, रिफमापेसिन है, ये सारी सारी पूरी पूरी है, इनमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं।
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसमें गौर करें कि हम लोग बार बार एक ही एक दवाई लेते हैं तो धीरे धीरे उस दवाई का असर हमारे ऊपर कम हो जाता है। जैसे अगर आपने घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो आप उसमें देखोगे तो वो जो व्यक्ति है वो पहले अगर 100 mg लेता था तो अब 500 mg लेने लग गया होगा, क्योंकि 100 mg उसके ऊपर असर करना बंद कर देती। तो उसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, है ना। ये इंडिया के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली क्या है कि जो टीबी की दवाइयाँ हैं वो सारी सारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। बहुत कम ऐसी दवाइयां हैं जो कि जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में नहीं रहती, है ना। सेकेंडली इसमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी देखने को मिल रही है, और जो ओरिजिनल समय में दवाई काम करनी चाहिए थी वो भी काम नहीं करती, है ना। ये चीज़ सरकार ने क्या क्या किया है, तो नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेमिनेशन 2012 में लॉन्च किया, नेशनल एक्शन प्रोग्राम फ्रॉम AMR जो है वो वन हेल्थ अप्रोच के साथ 2017 में लॉन्च किया, इसके सर्विलेंस और रिसर्च नेटवर्क 2013 में लॉन्च किया है ना। और इसके साथ में क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि एंटीबॉडी स्टीवर्डशिप प्रोग्राम भी शुरू किया। इंडोनेशिया जो है उसने रिसेंटली जो है वो हाई स्पीड ट्रेन शुरू करी है, जिसकी स्पीड 350 km/h के आसपास में है। ये पहली ऐसी ट्रेन है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, है ना। तो चाइना की हेल्प से बनी है, जिसकी कॉस्ट 7 बिलियन के आसपास। सबल और टूट जो उन्होंने बेसिकली रिसेंटली जो है वो गोल्ड जीता है, यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है। इसके अंदर ये भी चीज गौर करें कि आपके तजेंद्र पाल सिंह तूर है, अविनाश सांबले है ना, ये मेजर लोग हैं जिन्होंने जो है बेसिकली काम किया है। और इसके अलावा जो है वो ज्योति राजराज है, इसके अलावा नंदिनी अगरसेना है, सीमा पूनिया है। आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन किसके अंदर जीता, क्या चीज़ के अंदर किसकी रीज हुई, है ना। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, जैसे इंडिया होल्ड साउथ कोरिया टू ड्रॉ अ वुमेन्स हॉकी, है ना। उसके बाद में साउथ कोरिया जो है वो चाइना को बैक कर रही है गोल्ड में। इसके अलावा जो है वो कई सारे और लोगों को जो है वो इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल भी प्रोवाइड किए गए हैं, और वुमेन्स ट्रीप को भी यहाँ पर जो है वो बेस्ट ओवरऑल कैटेगरीज के अंदर फिनिश करने की बात की गई। ओके, यही सेम चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपकी हाई एटीट्यूड मैराथन जो है रिसेंटली देखने को मिला है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। इसके साथ में कमेडेव जो है उन्होंने रिसेंटली जो है वो जीता है पैन पैसिफिक ओशन, जो कि पेगुला को हरा करके दिया गया है ना। यश भरामी जो है उनको जो है वो नेहरू हॉकी का हॉकी जो है उसको रिसेंटली प्रेजिडेंट बनाया गया है ना। ये चीज़ में देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम लोग जो है वो आपको जवाब देंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।